आज के रेसिपी में ये है एकदम यूनिक टाइप का न्यू टाइप का रसमलाई इन योर किचन बनाना बहुत ज़्यादा इजीली इसके तरीके हैं। तो सबसे पहले हम इसमें लेंगे दूध। दूध हमने लिया है मिक्सिंग बाउल में, हम इसका एक प्यूरी टाइप का रेडी करेंगे। उसके बाद हमने इसमें डाला है मलाई। उसके बाद अब हम इसमें डाल रहे हैं मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर एक कटोरी इतना लिया है। फिर उसके बाद इसमें हम डालेंगे शुगर पाउडर। शुगर पाउडर हमने इसमें लिया है एक चम्मच इतना। फिर इसमें डालेंगे फॉर द कलर के लिए, आप इसमें कलर फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, बट हमने यहाँ पर केसर वाला दूध डाला है। केसर थोड़ा ज़्यादा डाल के इसका येलो कलर के लिए। फिर उसके बाद इसमें हम डालेंगे इलायची का पाउडर, इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। और ये देखिए हमने एक तरह से इसका रसमलाई का हमने प्यूरी रेडी कर लिया है। तो आधा से ज़्यादा तो काम हो गया, आप देख सकते कितना ईजीली बन जाएगा। ज़्यादा कुछ इसमें रेसिपीज़ बनाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। इसमें आप ऊपर से डालेंगे बादाम, काजू, पिस्ता यहाँ पर हमने डाल दिया है। आप चाहे तो इसमें अपने हिसाब से जो आपके पास अवेलेबल है उसके हिसाब से आप डाल सकते हैं, या फिर ना डालेंगे तो भी चलेगा। और अब हम इसमें लेंगे ब्रेड जी। यही है बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट एंड स्मूथ विदाउट छीना फाड़े आप बना सकते हैं रस मलाई इन द किचन। बहुत ज़्यादा ईजी रेसिपी है, प्लीज़ आप ये एक बार ज़रूर ट्राई करें। माई गॉड, अगर आप एक बार ये बना दिए ना तो आप बाहर वाले जो छीना फाड़ के आप रसमलाई खाते हैं वो वाला आप खाना ही भूल जाएंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पर दूध में डिप करके अच्छे से हल्के हाथों से उसको कर लिया था, एकदम सॉफ्ट हो गया। इसे एकदम से ज़्यादा से प्रेस नहीं करना है, नहीं तो ये टूट जाएगा। और यहाँ पर हमने ड्राई फ्रूट्स और टूटी फ्रूटी इसमें डाल दिया है। इसमें आप चाहे तो जैम्स भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और इसमें फिलअप करके अंदर से ऐसे कर लेंगे, एकदम ऐसे फूल टाइप का कर देंगे। लीटी का शेप रहता है ना, लीटी बनाते हैं या फिर पराठे बनाते हैं तो वैसे टाइप का इसको कर देंगे। और ये देखिए ऐसे ही बना के हम ले लेंगे बाकी सब। और ये देखिए मैं आपको इन द शॉर्ट में बता रही हूँ, ये देखिए ऐसे हाथों की मदद से इसको ऐसे सर्कल शेप दे देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे जो हमने स्टार्टिंग में जो हमने प्यूरी रेडी किया था रसमलाई का, वो हम इसमें ऊपर से डाल देंगे। बस ये हो चुका, बस हल्का सा इसके ऊपर हमें ड्राई फ्रूट्स गार्निशिंग करना है, बस ये रेडी हो जाएगा। तो अब हम इसमें ऊपर से ड्राई फ्रूट्स इसमें हम गार्निश करेंगे। अब हमने इसमें डाल दिया है काजू, बादाम और पिस्ता डाल दिया है। और इसके ऊपर से हम इसमें डाल देंगे टूटी फ्रूटी, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव इसमें कलर लगेगा। आप देख सकते हैं कितना अच्छा दिखने में लग रहा है, तो खाने में कितना अच्छा होगा। आप इसे एक बार ज़रूर बनाएं, अपने फ्रेंड के साथ में ज़रूर शेयर करें। और आपने अभी तक से हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।